सो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अभी तक का गाइस सबसे गुड न्यूज़ जो आ रहा है फौजी गेम के डेवलपर्स के तरफ से, आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि अक्षय कुमार सर ने यहाँ पर एक गेम का यहाँ पे जिक्र किया था अपने इंस्टाग्राम में, जो कि है फौजी गेम, जिसका नाम से ही गाइस काफ़ी ऑसम लग रहा है ये गेम। एंड इसका गाइस सभी लोग ट्रेलर का टीज़र का वेट कर रहे थे कि कब इसका ट्रेलर वगैरह आए, जिससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे गेम का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है एंड क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गाइस हम लोग को फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल टीज़र के साथ में हम लोग को गाइस प्ले स्टोर का रिलीज डेट भी यहाँ पर पता चल चुका है। तो यार आज का ये वीडियो काफ़ी ऑसम होने वाला है गाइस उनके लिए जो कि फौजी गेम का बेसब्री से वेट करे। आई मुझे गाइस एकदम डेफिनेटली पता है कि आप में से गाइस हर एक बंदा चाहता है कि इंडिया का ऐसा कोई गेम आए जो पबजी जैसा गेम था उसको उसके लेवल का गेम आए और उसको टक्कर दे दे। तो भाई साहब ये गेम कुछ उस प्रकार का हो सकता है अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में दोनों ही चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सर वीडियो पूरी एंड तक देखते रहना, अगर आप लोग वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखते हो तो गाइस उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो आपके ही ऊपर, आप लोग देखो ना देखो, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ट्रेलर देख ही लिया जो कि इसका टीज़र आया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था वीडियो के, ताकि आपको यहाँ पे ऐसा ना लगे कि मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया हूँ कि यहाँ पे टीज़र कौन सा था। अब ये जो टीज़र है गाइस एनकोर गेम्स जो कि इस गेम के डेवलपर डेवलपर जो कंपनी है, पब्लिशर कंपनी है, उनके द्वारा जो है अपने इंस्टाग्राम और यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर इसको पोस्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है टीज़र देखने को तो। एंड टीज़र देखने में गाइस हम लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि गेम के अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन गाइस उस वाले जो टीज़र है ना, मतलब उसके यूट्यूब चैनल पर जो टीज़र इन्होंने पोस्ट किया उसके कमेंट सेक्शन में गाइस मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिनका उन लोगों ने खुद रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर गाइस मुझे लगता है कि गेम के अंदर हमें टीपीपी मोड एंड बैटल रॉयल मोड तो 100% देखने को मिलने वाले, तभी यहाँ पे पबजी जैसा कुछ इसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। एंड उनका ये भी कहना है कि इस गेम को वो लोग ट्राई करेंगे कि वर्ल्ड लेवल में ले जाए, मतलब कि फॉरेन में भी ये गेम जो है वो यहाँ पर ट्रेंड कर जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम ये लोग बनाने का ट्राई करेंगे। सो गाइस इसके अंदर आपको टीपीपी मोड बैटल रॉयल मोड ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस बात कर ले हम लोग की हम लोग को रिलीज डेट कब देखने को मिलेगा यार, ठीक है। आपको ट्रेलर अपने जो टीज़र तो देख लिया, ट्रेलर भी जो होता है 2-3 मिनट का वो भी काफ़ी जल्द इन्होंने, मतलब जब ये लोग बना लेंगे या फिर शायद इन्होंने रेडी कर रखा होगा मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे गाइस ये चीज़ वो लोग रिलीज़ कर देंगे एंड अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी ये चीज़ हम लोग को बता देंगे। एंड यहाँ पर गाइस रिलीज डेट से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ चुकी है इनके तरफ से ऑफिशियली, तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे इनका इंस्टाग्राम का ये पोस्ट है जिनमें इन्होंने कह रहा है कि भाई मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ मतलब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हो पॉसिबल हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो इसका रिलीज डेट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है द गेम इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च एट द एंड ऑफ अक्टूबर विथ इट्स फर्स्ट लेवल सेट इन द गैल्वन वैली बैकड्रॉप फॉलोड बाय थर्ड पर्सन शूटिंग गेम प्ले इन द सब्सिक्वेंट रिलीजेस। अब इसका मतलब ये है कि गाइस हम लोग को अक्टूबर के एंड तक ये गेम जो है रिलीज होते हुए देखने को मिल सकता है। इट इज एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस गाइस मैं मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे उससे पहले भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो है एकदम करेक्ट टाइम है किसी भी न्यू गेम को एंटर करने का मार्केट में अपना बनाने का, बिकॉज जब तक पबजी था वो गाइस पबजी इतना अच्छा डोमिनेट कर रखा था कि वो किसी और कंपनी को यहाँ पर किसी और गेम को यहाँ पे अपना जगह ही नहीं बनाने देता था मार्केट में। सो यहाँ पे गाइस ये काफी अच्छा टाइम है कोई भी न्यू कंपनी का कोई भी न्यू गेम को यहाँ पे एकदम अच्छा मार्केट वैल्यू दिलाने के लिए। सो गाइस वो लोग गाइस इसी कॉन्सेप्ट इसी आइडिया से लेकर आए इस वाले गेम को इसी टाइम पर। एंड गाइस मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इनको गाइस जल्द से जल्द रिलीज डेट जो है कन्फर्म रिलीज डेट अनाउंस करनी चाहिए 1 मंथ के अंदर, एंड ट्रेलर वगैरह सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके और जितनी जल्दी हो सके गेम को रिलीज़ करना चाहिए। मुझे पता है गाइस गेम डेवलपमेंट में गाइस अभी काफ़ी काम बाकी है, गेम डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है। पबजी को भी आने में 2 साल लग गए थे क्योंकि 2015 में पबजी पीसी आया था ना, उसके बाद हाईली रिकमेंडेड ये गेम था जिसके मदद से गाइस इन्होंने पबजी मोबाइल को भी रिलीज़ किया 2018 में, तो काफ़ी टाइम लग गया था पबजी को भी आने में। तो गाइस सोचो इस गेम को भी आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे गाइस इनका गाइस एक ये चीज़ है कि गाइस इनको जितना जल्दी हो सके इनको लाना है अपना गेम, क्योंकि गाइस देखो जब भी कुछ भी न्यू गेम आएगा ना तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा वापस अपने ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज जो स्टेज होता है ना उसके ऊपर आने में। पबजी भी गाइस स्टार्टिंग में उतना बेटर नहीं था जितना कि वो अभी था, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब गेम रिलीज होगा तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कुछ दिन, उसके बाद आपको उससे गाइस ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग किसी गेम को सपोर्ट करते हो ना तो डेवलपर्स भी खुश होकर उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स लाते हैं। एंड ये तो गाइस अपना इंडिया का गेम है, इंडिया डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है,
तो इसे तो सपोर्ट करना गाइज नॉर्मल बात है, वो जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग करने वाले हो या नहीं, एंड अपने ओपिनियंस भी रख सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ गाइज, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसका पोस्टर जो है वो कॉपीड है। तो गाइज ये जो पोस्टर है ना वो कॉपी 100% करा गया है। कॉपी मतलब एक शटर स्टॉक करके कुछ होता है, उसमें से कोई इमेज यहाँ पे ले करके उसमें यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करके इस गेम का जो पोस्टर बनाया गया, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है गाइज, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि यार पोस्टर नहीं बना सकते भाई, गेम क्या बनाएंगे, ऐसे काफ़ी सारे मीम्स चल रहे हैं आजकल। लेकिन गाइज देखो, जब भी कुछ न्यू गेम रिलीज होने वाला रहता है तो उसका पोस्टर पहले से रेडी किया जाता है। लेकिन गाइस पबजी जो सडन बैन हुआ ना एकदम अचानक से, तो इन्होंने ये नहीं सोच रखा होगा कि हम लोगों इस डेट पे यहाँ पे पोस्टर रिलीज करना है। इन्होंने गाइस एकदम अचानक से सडन इनको भी बनाना पड़ा होगा पोस्टर, तो यहाँ पे इन्होंने पहले से कुछ भी रेडी करके नहीं रखा था। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी गेम भी पूरा तरीके से रेडी होगा या फिर इसके अंदर सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन करी गई होगी, ठीक है। अभी गेम में काफ़ी काम बाकी है, इसलिए गाइस इन्होंने बोल रखा है कि अक्टूबर के एंड तक में हम लोग को देखने को मिल सकता है। बिकॉज इन्होंने गाइस काफ़ी स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर गेम को जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज इसका नाम ही ऐसा है फौजी, जो कि सुन के ही मतलब एकदम अंदर से जोश सा आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको गाइस इस गेम को सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड गाइस इस गेम को मैं 100% सपोर्ट करने वाला हूँ गाइस, अगर ये गेम मार्केट में आता है तो गाइस मैं इसकी वीडियो 100% बनाऊंगा। एंड यहाँ पर गाइस देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कितना बढ़ता है, मैं गाइस थोड़ा टाइम वेट भी करूँगा कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है, क्योंकि आपको करना चाहिए गाइस, कुछ भी चीज़ को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। बाय बाय गाइस, आज का ये वीडियो बस इतना ही था। मुझे लगता है आपको वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, टीज़र से लेके रिलीज डेट के बारे में सारी चीज़ें जो मुझे इंस्टाग्राम पर देखने को मिला, मैंने आपको आपके साथ ये वीडियो शेयर करा है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को भी लाइक कर देना चाहिए इस वाली वीडियो को, गेम के लिए लाइक कर दो मेरे लिए ना सही तो, ठीक है। तो बाय बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।